रहमानिरहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ पसंदे। ये 300 ग्राम बीफ का गोश है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको किचन टॉयल से सोक कर ली हूँ। इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। और अभी मैं दही ये चम्मच से डेढ़ चम्मच दही है और इसके अंदर मैं अभी डालूंगी नींबू, आधा नींबू। इसको सूखे मसाले हैं, ये है कश्मीरी लाल मिर्ची एक छोटा चम्मच से, ये तेज़ वाली लाल मिर्ची है वो भी एक चम्मच है छोटे चम्मच से, ये धनिया पाउडर है एक चम्मच, ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर है आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच है और काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये पपैये का पाउडर है और ये हसबे ज़ायका नमक, जैसा टेस्ट के मुताबिक नमक। अभी इसको एक अच्छे से बीट करते हैं अपन सारे मसाले। पपैया का पाउडर है, ये सारे मसाले इसमें, इसमें कुछ भी तंदूरी मसाला बाहर का कोई मसाला नहीं है, सब घर के ही मसाले हैं, ये बेसिक मसाले अपने घर के जो रहते हैं वही मसाले, अदरक लहसुन है, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची, धनिया, यही सारे पाउडर मसाले हैं। अब ये गोश्त को हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं, तो पूरा मसाला लगा लेते हैं। इसको हाथ से ही करना पड़ता है, ये चम्मच से नहीं मिक्स होते। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसको मैं ढक के 3 से 4 घंटे ऐसे ही रखूंगी। जब खाने का टाइम रहेगा तब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। गाइस मेरे नानी ना अभी पसंदे को बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और देखो इसका लुक कितना अच्छा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार पका के और खाया ज़रा। अभी नानी ने एक निकाल चुके हैं, आप दूसरा भी डालेंगे। ये देखो अभी रात के बजे 10:30, तो अभी मैं नाना को बुलाऊंगा फिर हम लोग खाने बैठेंगे। ये कड़ी लिप्स है थोड़े से, मैं इसको फ्राई करके इस पर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खाना खाने आ जाओ, खाना रेडी है। आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।